हेलो फ्रेंड्स, देव ऑनलाइन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी बोर्ड 10th और 12th क्लास का सप्लीमेंट्री का एडमिट कार्ड जो है आ चुका है। यदि आपने 10th या 12th क्लास का एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा है तो अब आप इसे कैसे और कहां से डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड को, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का ये नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सप्लीमेंट्री का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा mpbsc.mponline.gov.in। तो आप इस लिंक को सर्च कर लीजिए। यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर आप एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। अब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म, इसके बाद काउंटर बेस्ड फॉर्म और डीएलएड फॉर्म। तो आपके यहाँ पर ग्रीन वाले जो बॉक्स दिखाई देगा काउंटर बेस्ड फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको प्रिंट एप्लीकेशन, सॉरी प्रिंट सप्लीमेंट्री एडमिट कार्ड 2020। इसे आप 9 सितंबर 2020 से लेकर 22 सितंबर 2020 तक आप अपने एडमिट कार्ड को जब प्रिंट कर सकते हैं उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाली लिंक पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2020। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट का जो भी एमपी बोर्ड का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा कोड दिखाई देगा 3+7, यानी कि आपको इसमें टोटल करके 10 जो बॉक्स में फिल करना है। और यहाँ पर जेनरेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना रोल नंबर स्टूडेंट का फिल करके आपको दिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हाइड कर दिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपके सामने लिखा आएगा प्रवेश पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल, या फिर आपका हायर सेकेंडरी का होगा तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा 2020, इस प्रकार से लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर स्टूडेंट का केंद्र क्रमांक, यहाँ पर स्कूल का क्रमांक, यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रेगुलर प्राइवेट यहाँ पर लिखा होगा। और टाइमिंग आप देख सकते हैं 9 बजे से 12 बजे तक जो है एग्जाम टाइमिंग रहेगी 10th क्लास के लिए। इसके बाद यहाँ पर बात करें यहाँ पर आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जो भी आपको स्कूल मिला होगा वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर स्टूडेंट का नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, और जिस भी मीडियम में आप होंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में आपका फोटो एंड सिग्नेचर दिखाई देगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगी परीक्षा के विषय तथा कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो विषय में सप्लीमेंट्री है, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट दी हुई है, यहाँ पर इनका 16 सितंबर को एग्जाम रहेगा और 18 सितंबर को फ्राइडे को। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्कूल का, इनका जो भी स्कूल है उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर आपको सचिव के जो साइन सिग्नेचर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको परीक्षा से रिलेटेड जो भी यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर रहेगा परीक्षा केंद्र पर समस्त विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, अतः समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको जो है परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व आपको परीक्षा हॉल में प्रारंभ यानी कि उपस्थित होना होगा। इसके अलावा आपको प्रवेश पत्र अपना लेकर जाना होगा, जो भी पेन पेंसिल है वो सब कुछ आपको लेकर जाना होगा। तो इस प्रकार से कुछ आपको यहाँ पर नियम बताए गए हैं तो आप इसे जो है पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके इस एडमिट कार्ड को अपने को प्रिंट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप इससे जो है पेपर दे पाएंगे। तो फ्रेंड, कंप्लीट डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएँ। तो फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद।